आज हम लोग अपने स्विमिंग पूल के ऊपर नहा निकले हैं, तो आरव को देखो यहाँ पर फुल मस्ती में, आरव ठंडे पानी में नहा रहा है ना इस वजह से। बाकी स्विमिंग पूल की छत आप लोग देखो वहाँ पर ऊपर, वो बिल्कुल प्रोटोकॉल बनी हुई है। बाहर में धूप है पूरी, मजरे के अंदर में ये देखो पूरा धूप है। लेकिन खैर जो स्विमिंग पूल है वो तो बहुत ही भाई आला किस्म का बना हुआ है। यहाँ पर आप लोग पानी चेक करो कितना साफ पानी है इसका यार, बिल्कुल साफ पानी है। और सामने मुश्ताक भी अभी आया हुआ है नहाने के लिए। शायद मुश्ताक नहाने के लिए आया तुम, बाय बाय मुश्ताक नहाने के लिए। अरे ये क्या लगा रहे हो तुम, पानी वाला चश्मा लगा रहा है आरफ इसमें से, मतलब आरफ जब डुबकी लगाएगा ना भी पानी के अंदर जाएगा ना तो आखिर बन जाएगा, इसमें साफ देख सकता है बिल्कुल। लेकिन खैर मेरा मोबाइल वाटर प्रूफ नहीं है जो मैं इसको पानी के अंदर ले जाऊँ, बस ऐसे दिखा सकता हूँ। आरफ को मेरे कल में बहुत तकलीफ हो रही है, ये जो चश्मा आरफ ने लगाया ना पानी घुस जाता है इसमें, पानी चला इसको थोड़ा पीछे से इसका रबड़ जो ना खींचो थोड़ा टाइट हो जाएगी। तो इसकी सफाई की थी जो हम लोग ने, जो बुरश जो है हमारे पास फिलहाल तो सादा बुरश है क्योंकि ये बुरश है सस्ते वाला बिल्कुल, इससे हम लोग सफाई किया था। बाकी इंशाल्लाह जो मज़ीद जो इसकी सफाई करनी है, हम लोग को एक केमिकल मिलता है तेजाब, वो इसमें हम लोग जब डालेंगे ना, ये आप लोग अभी देख सकते हो पानी के अंदर में ना, इसके अंदर में कलर इसका चेंज है, काशी जो लगा हुआ ना नीचे पत्थर जो है ना उसका कलर चेंज है, तो उससे जब हम लोग सफाई करेंगे तो ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। साफ है लेकिन मैली है ना इस वजह से रंग, पानी तो बिल्कुल शीशे की तरफ दिख रहा है ना, ये यहाँ पर काशी लगाई थी टाइल है पूरा, और नीचे यहाँ पर बक्स है साथ में, और यहाँ से इसकी सीढ़ी भी है जहाँ से आदमी ऊपर आ सकता है। ये सीढ़ी है इसकी यहाँ से, और ये देखो बिल्कुल अलग किस्म का यार, अलग किस्म का है यहाँ पर, इसमें कुछ भी वो वाली बात नहीं है। आरफ नहाने में मसरूफ।